तो ये लड़का जो इस वक्त ब्रिज के ऊपर चल रहा है, कुछ देख रहा है। ये है बंजोसा लेक, जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 5 घंटे के फासले पर वाकिया है और रावलाकोट से 18 किलोमीटर दूर है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आए हुए हैं बंजोसा जी। वो मुहर्रम के दिन है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जो होटल के रेट वगैरह वो भी काफ़ी हाई हैं। नहीं तो हमारा प्रोग्राम ये था कि हम लोग यहाँ पर बंजोसा झील में आज रात स्टे करें और दिन सुबह के वक्त हम लोग जाएँ तौली पीर, और यहाँ पर आसपास किसी जगह पर स्टे करके सुबह के वक्त जाएँगे हम लोग तौली पीर। बंजोसा झील के सामने जो है वो बाजार है, ये देख सकते हैं, कुछ जहाँ पर होटल वगैरह भी अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो बंजोसा झील है वहाँ से तकरीबन 5 मिनट के रास्ते पर हम लोग आ गए हैं और वहाँ पर जो है हम लोगों ने ये 3 कमरे लिए हैं। काफ़ी अच्छा रूम है, ठीक है, छोटा सा है और काफ़ी अच्छा रूम है। सो बंदे हम लोग ज़्यादा फैमिली के साथ आए हैं, 2 फैमिलीज हैं। आज रात यहाँ पर स्टे करके हम लोग कल फिर जाएंगे इंशाल्लाह ताला तौली पीर सुबह। सो मिलते हैं आपको फिर सुबह इंशाल्लाह ताला। देखो यार, मुझे ना ये क्लब, डेट, पार्टी, इन सब का चक्कर समझ में नहीं आता। तुम्हें अगर कभी वक्त बिताना हो मेरे साथ तो पहाड़ों पर चलना, आंगन में अलाव जलाकर चाय की घूंट भरेंगे और डा के गाने सुनेंगे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सो दोस्तों, टाइम इस वक्त हो रहा है 8:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं तौली पीर। यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता होगा तौली पीर का, तो चलते हैं, अपना सफर शुरू करते हैं। नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता करते हैं जाकर। हम लोग जो है वो तौली पीर पहुँच गए। टाइम स्टॉक जो है वो 10:20 हो रहे हैं और ये तौली पीर आप लोग देख सकते हैं। पिछले लास्ट टाइम हम लोग जो है वो साल पहले आए थे, साल पहले बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर झूले वगैरह भी सारे लगे हुए थे। तो देखते हैं ऊपर जाते हैं, ऊपर ज़्यादा खूबसूरत जगह, सारा प्लेन मेडोज है। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं फिर आगे कैसी जगह। मौसम यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, बादल वगैरह जो है वो आए हैं। काफी हो गया ना। आज मैं भी शहर से दूर इन पहाड़ों में आया हूँ। कहते हैं कि यहाँ सुकून मिलता है और मुझे उसी की तो तलाश है। इस समझदार यंत्र की दुनिया बेरंग होते ही मेरी वास्तविक दुनिया में रंग दिखने शुरू हो गए। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर, दिल तो चाह रहा है कि बस यहीं रुक जाऊँ। कितनी खुशनसीब मुर्गी है ना ये, पहाड़ों में जो रह रही है। मैं भी अपने 4 दोस्तों के साथ यहाँ आना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ।
दोस्तों एक साल बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये चेक कर सकते हैं आप लोग पीछे जो है कितने खूबसूरत मेडोज हैं माशाल्लाह, लैंडस्केप बहुत खूबसूरत। चलते हैं अभी आगे और आपको और अच्छी अच्छी जगह जो है वो दिखाते हैं। खैर ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है फैसिनेट कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये वाले जो सामने मेडोज आपको नजर आ रहे हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ जो है बहुत खास मेहमान है। सो आज की वीडियो में हमारे साथ मोइज़ भी हैं जो कि हमारे साथ पंचपीर रॉक्स वाले व्लॉग में भी थे, और ये आज शहजादा भी हमारे साथ है, तहा नाम है इसका, और ये हमारे व्लॉग से देखता है। और ये है राशिद अंकल, मोइज़ के पापा। ही फ्लू ऑल द वे फ्रॉम दुबई, हबी बी कम टू दुबई। तो क्या कहना चाहेंगे राशिद अंकल, कैसी जगह लगी आपको? जगह तो बहुत प्यारी है लेकिन बहुत हाइट पे थका दिया है। अच्छा लिफ्ट बन जाए तो आसानी हो जाएगी। आप तो जवान बंदे हैं राशिद अंकल, अभी थोड़ा सा रास्ता रह गया, तो वो सामने ज्यारत है, लास्ट टाइम हम लोग वहाँ पर गए थे और बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ पे हवा भी चल रही है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप भी नहीं है देख सकते हैं, लेकिन गंदगी लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो फैलाई है। तो मैसेज मेरा यही है कि आज जो भी आते हैं अपने साथ शॉपर वगैरह लाएँ, उसके अंदर गंद वगैरह जो है वो डाल के वापस लेकर जाएँ। अब यहाँ पर अगर डस्टबिन वगैरह नहीं लग सकती तो ये फिर हम लोगों का ही फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जो है वो जो भी अपने साथ खाने पीने का सामान लाएँ वो साथ लेकर जाएँ। सो दोस्तों अब यहाँ पर आपको मैं मिलाता हूँ यहाँ के कुछ लोकल से, और जानते हैं इस तोली पीर के बारे में, इस जगह के बारे में कि यहाँ पर क्या ख़ास चीज़ है। सो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? वकार यूसुफ। वकार यूसुफ, अच्छा जनाब तो आप हमें बताएं कि यहाँ की क्या ख़ास बात है जो आपको लगती है? यहाँ पे मौसम बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त है, तो आप हमें बताएं कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ ज़बरदस्त लगती है? यहाँ ये है कि माशाल्लाह जो हर कंट्री से टूरिस्ट आता है लोगों से मिल के बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, और यह है कि तोली पीर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है, जिसका सतह समंदर से 8,900 फुट की बुलंदी है इस तोली पीर की, और अल्लाह पाक ने इतने बड़े बड़े दरख्त दिए हैं, और अल्लाह पाक ने इतनी हाइट पे चश्मा दिया, और अल्लाह पाक ने ठंडी हवा से नवाजा किया है, ये हमारे लिए काफ़ी है। और ये सब्जा होटल है जिधर देसी दूध पत्ती, सब्ज़ कावा, ताज़ा पकौड़ा, फ्राइज चिप, चिकन रोस्ट टिक्का, चिकन पकौड़ा, चिकन कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, और फ्रेश बकरा भी अवेलेबल देते हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जनाब ने इतने ज़्यादा चीज़ें जो हैं यहाँ पर बताई हैं, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। तो बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स ये आप लोग देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों पहाड़ों के बीच में जो है वो मैं दरमियान में खड़ा हूँ। ये सारे मेडोज़ हैं और वहाँ पर थोड़े थोड़े पत्थर वगैरह भी हैं। सो ज़्यारत मेरे सामने ही है, चलते हैं। मज़े की बात है मैं छाँव में खड़ा हूँ, वहाँ पर धूप है सारी। सो सामने जो है वो प्रोग्राम भी चल रहा है, वहाँ पर भी जाते हैं। अभी तहा की बारी है, तहा सबर आप मारो, एक सेकेंड इसको मारो, चलो येलो वाले को, शाबाश मारा तो एटलीस्ट, वेरी गुड, ज़बरदस्त। सो हमने निशानाबाजी भी कर रही है ऐसे व्यू पर। ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਦੇ ਮਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ
सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, लास्ट टाइम भी मैं आया था इसी जगह पर बैठा था और मैंने आप लोगों को मैसेज भी दिया था कि अगर आप लोग घर से बाहर निकलते हैं सो आगे रास्ते हमारे खुद ही खुलते जाते हैं। सो वही बात मुझे भी याद आई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये देखें कितना प्यारा व्यू है यार माशाल्लाह, और वही सरसब जगह। बस ये है कि यार लोगों ने गंदगी जो है ना, जिस एक सीरियस मैसेज यही है कि यार तुलिपी में मुझे मायूसी बस इस चीज़ की हुई है कि पिछली बार जब आया था इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं थी, लेकिन इस बार जो है बहुत ज़्यादा गंदगी लोगों ने फैलाई है। मतलब ऊपर पहाड़ पे तो नहीं है, मैं डोज में वहाँ पर नहीं है गंदगी, लेकिन नीचे पार्किंग वाली साइड पर और ऊपर मतलब पता नहीं खाते हैं ये लेज और बोतलें और डिस्पोजेबल गिलासेस, मतलब खाते हैं इसी का फेंक देते हैं यार। अगर वही बात है कि अगर डस्टबिन वगैरह यहाँ पर नहीं लगी हुई, लेकिन इंसान खुद ही चीज़ का ख्याल रखता है, मतलब अपने साथ शॉपर बैग्स वगैरह लें उसमें डाल के जो है वो वापस दे जाएँ, डस्टबिन का यूज़ करें, तो बहुत ज़्यादा जो है ना इस बार गंदगी हुई हुई है। लेकिन मौसम जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये बादल वगैरह भी जा रहे हैं और वेदर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है जगह तुलिपीर। बस ये कि अगर जगह नेचुरल रहेगी, खूबसूरत रहेगी, तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर तुलिपीर की टॉप पर जो है वो नमाज़ पढ़ने की जगह भी है, पीछे ज़ियारत भी है। सो ये सारा टॉप है, ठीक है, हम लोग उस पहाड़ के पीछे से आ रहे हैं काफ़ी। तो ये सारा व्यू है, ये नमाज़ पढ़ने की जगह, ज़ियारत, और ये सारा जो है मतलब आसपास का व्यू है। बहुत सी जगह घुमा हुए लेकिन कश्मीर के पहाड़ों की बात अलग है, कुछ अलग सुकून है यहाँ पर। कहाँ था तू? नाराज था जो इतनी दूर चला आया? तुझे पता है जब से तू गया है शहर में सुकून नहीं रहा, और यहाँ यहाँ आज मैं वो सुकून ही खोज रहा हूँ, पर तुझे खुश देखकर लग रहा है कि तुझे अपना सुकून यहाँ मिल चुका है, शायद मुझे भी मिल जाएगा। अच्छा यार, तो एक और चीज़ है जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है, पैदल लोग जा रहे हैं उनका भी ये सारा रास्ता है ऊपर जाने का, और जो घोड़े जाते हैं वो भी इसी ट्रैक से ऊपर जाते हैं। तो ये रास्ते में गोबर वगैरह है, काफ़ी स्मेल वगैरह होती है, तो ये एक गलत चीज़ है। एक ही रास्ता यूज़ हो रहा है घोड़ों का भी और इंसानों का भी, तो काफ़ी स्मेल वगैरह आती है रास्ते में, जो गोबर वगैरह वो कर देते हैं। तो एक घोड़ों का जो है वो अलग से ट्रैक होना चाहिए और इंसानों का यही वाला ट्रैक जो है वो बेहतरीन है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट की चीज़ है जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो यहाँ के अभी लोकल से बात हुई है, ये सारा घोड़ों का रास्ता जो है वो बना रहे हैं, ये देखें ये घोड़ों का रास्ता बन रहा है। तो यही बात मैंने अभी इनको भी आगे की है कि मतलब एक ही रास्ता दोनों का यूज़ हो रहा है, घोड़ों का भी और इंसानों का भी। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग रास्ता जो है वो बना रहे हैं, और गंदगी के हवाले से भी जो है यहाँ पर ड्रम वगैरह वो लगाएंगे यहाँ के लोकल खुद ही, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट मतलब इंशाल्लाह ताला आगे होगी उम्मीद है। अच्छा, मज़े की बात है कि अभी रश भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब हम लोग जो हैं तकरीबन 10 बजे के राउंड आए थे, तब तक ज़्यादा रश भी नहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, तकरीबन 11 12 1 बजे के राउंड। सो दोस्तों, जो तुलिपीर है ये बंजोसा झील से, जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था बंजोसा झील में, झील वहाँ से तुलिपीर तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, गाड़ी इंतजार कर रही है। उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद नहीं है तो आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर लें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आप लोग किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद, खुदा हाफिज़।